नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज कुछ दिन के बाद मैं एक बार सामने हाजिर हो रहा हूँ मेरा चैनल कैप्टन सपन मिश्र को लेके। आज यू नो कुछ दिन पहले 9 तारीख एक प्रोग्राम हुआ था, मुझे बुलाए थे एंकरिंग करने के लिए। काफ़ी दिन के बाद मैं माइक पकड़ा, एंकरिंग किया और बेसिकली मेरे को गेस्ट करके बुलाए थे। मैं बोला कि ठीक है, भाषण देकर निकल जाऊंगा कटक से भुवनेश्वर, अराउंड 45 मिनट्स स्कूटर में लगता है, कार में 1 से 1 घंटा 25 मिनट लगता है। तो मैं स्कूटर लेके गया था, दोनों बार नहीं, 8 बजे तक तो हॉल बुक है और 9 बजे के बाद तो अपना नाइट कर्फ्यू है। तो कुछ ही नए बच्चे को अगर माइक देते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनरली जो भाषण देने के लिए जो गेस्ट लोग हम बुलाते हैं एक्चुअली टॉपिक के ऊपर, वो लोग थोड़ा यू नो कोशिश करने के बावजूद भी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो उसमें क्या ना, मैंने एक प्रोग्राम यू नो अपना दिमाग लगाया, मैंने बोला कि स्टेज में कोई पोडियम नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, स्टेज में कोई नहीं बैठेंगे, कोई भाषण नहीं देंगे, सब लोग गेस्ट का जो ऑडियंस का सीट में बैठे हैं मैं उनको बुलाऊंगा और उनको टाइम दूंगा, टाइम लिमिट भी दे दूंगा। तो इस तरह हमारा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी चला, बच्चे लोग अपनी डांस ये वगैरह करते रहे, बीच बीच में गेस्ट लोगों को बुला के उनका भी भाषण करता रहा, और कभी कभी कोई जो लंबा भाषण देता है उनको भी ये मैं पीछे टिक टिक करता रहा, कंप्लीट कीजिए कंप्लीट कीजिए। लेकिन इट वॉज़ ए गुड प्रोग्राम एक्चुअली। मैं एक वीडियो अपलोड किया था एक्चुअली, अराउंड 80-90 पीपल हैव सीन दिस वीडियो। ये तो मेरा मोबाइल में मेरा बेटा रिकॉर्डिंग किया था, लेकिन कंप्लीट प्रोग्राम का वीडियो एडिटिंग चल रहा है, जब आ जाएगा मैं उसको भी आपका वैसे अपलोड कर दूँगा। बट सम आई मैनेज्ड वाई 7:45 आई कंप्लीट द प्रोग्राम। उसके बाद 4 करीब डांस मैच था, उनको मैंने जो अपना जो एंटरटेनमेंट के लिए जो इंचार्ज थे दिलीप स्वाई डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर ऑफ ओडिया फिल्म, उनको मैंने हैंड ओवर कर दिया। फिर मैं कट लिया और 8 बजे निकला, 8:45 मतलब 9 बजे कर्फ्यू से 15 मिनट पहले घर पहुँच गया विथ माई सॉन्ग। तो ये था, मैं ये करूँगा। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ एक्चुअली, मेरा हमारा कुछ ग्रुप्स वगैरह है जो जिसमें मैं एडमिन हूँ, जिसमें लोग ज़बरदस्ती मुझे एडमिन बना रहे हैं एक्चुअली, सोच रहे हैं शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, और उनका इच्छा और उनका ये सम्मान को आदर करते हुए मैं भी एडमिन बन जाता हूँ और मेरा कुछ कुछ अच्छे से पोस्टिंग में करता रहता हूँ एक्चुअली, जो देश हित में है, एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन, देश हित में जो है वो मेरे लिए प्यारा है और देश मेरा जान है। तो हमारे ग्रुप में मेरे अच्छे दोस्त है, मैं नाम भी लेता हूँ, एसी बेहरा, उन्होंने हमारे ग्रुप में उन्होंने पोस्टिंग किया कि सर अपना आप अपना नेवी के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताओ, कुछ थ्रिलिंग कुछ चिलिंग। आर्मी का इतिहास में बहुत सारी चिलिंग थ्रिलिंग मिल जाएगा, बिकॉज दे आर द फ्रंटियर एंड यू नो फ्रंट टू फ्रंट, गलवान बलवान जो है ना फ्रंट टू फ्रंट होता है। नेवी का इतिहास में इतना थ्रिलिंग एक्सपेंचर ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, फिर भी मैं शेयर करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर रहते हैं एक्चुअली, वी आर रेडी प्रिपेयर रहते हैं हम। हमारा भी नेवी का भी बहुत इम्पोर्टेंस रोल है एक्चुअली, इंडियन ओशन साउथ पैसिफिक ये जो जितना है उसको हमको गार्ड करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, इवन अफ्रीकन कोस्ट ऑल्सो हमको कंट्रोल करना पड़ता है, ड्रग्स नार्कोटिक्स उसको भी बंद करना पड़ता है। कोस्ट गार्ड भी हमारा जूनियर विंग है वो भी काफ़ी साथ देता है, करते हैं एक्चुअली।
लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, जिन्होंने बोला है एक्चुअली, मेरा एक्सपीरियंस था एक्चुअली यू नो, एक छोटा मोटा लड़ाई मैंने भी फेस किया एज अ नेवल पर्सन एक्चुअली आई फेस्ट, दैट इज आई पी कैप, आई वाज द पार्ट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स राजीव गांधी जी का टाइम में, श्रीलंका उस टाइम पर राज सब के थे प्रेसिडेंट, उनका पीस अकॉर्ड हुआ जिसमें एलटीटी का चीफ उन्होंने भी साइन किया, तो इंडिया पीस कीपिंग फोर्स भेज दिया कि सबका पीस बनाए रखने का, और दोनों पार्टी को मिला के क्या क्या इशू सॉल्व करना और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तमिल इशू ये दैट वॉज अ पॉलिटिकल डिसीजन। उस टाइम पर मैं इतना पॉलिटिकली मैच्योर नहीं था एक्चुअली, हमको मैंडेट दिया गया था, हम मैंडेट में काम करेंगे, डिफेंस में हर जगह में मैंडेट होता है, ये मैंडेट है, इसमें काम करना है, इसमें इस तरीके से काम करना है। तो मैं उस टाइम पर एक INLCU L-31 एक नो लैंडिंग क्राफ्ट जहाज था, उसका मैं सेकेंड इन कमांड था। बेसिकली लैंडिंग क्राफ्ट क्या होता है ना, उसका जो फ्रंट में है उसका एक डोर होता है, वो लैंडिंग क्राफ्ट जो बीच में भी कोई भी मतलब कोई पोर्ट उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कोई बीच में भी लैंड कर सकता है, लैंड करके अपनी ट्रूप्स और जो टैंक वगैरह निकाल सकता है। आपको अगर संभव कोई याद होगा, नॉर्मंडी ऑपरेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जो फ्रांस को जीतने के लिए ब्रिटिश लोगों ने किया था, वो लैंडिंग क्राफ्ट लुको नहीं, लैंडिंग क्राफ्ट का जहाज नहीं, नॉर्मंडी ऑपरेशन सक्सेस करके जीताया था, ब्रिटिश का जो सोल्जर जो हुआ जो उनको लैंडिंग क्राफ्ट से ही ये किया था। सो आई वाज द सेकेंड इन कमांड दैट शिप, ओके, माय कैप्टन वाज कमांडर प्रकाश, माय कैप्टन ही वाज यू नो मेरे ऊपर थॉरली कॉन्फिडेंस रखते थे, मैं जो बोलता था, जो डिसीजन लेता था उसको फॉलो करते थे, और बोलते थे ठीक है तुम नंबर टू, हमारा जो नेवी में कैप्टन नंबर वन और जो सेकेंड नंबर टू वट एवर यू डू ऑल ग्रांटेड, इस तरह का मेरे को फ्रीडम दिया गया था। तो हमने चेन्नई से कुछ आर्मी ट्रूप्स और कुछ खाना पीना जो बकरी और जो बॉयलर चिकन वगैरह हमारा डिफरेंट था, उसको लेके जाके उसको आर्मी को हैंडओवर करने का था, आर्मी ट्रूप्स को लेके वो लैंड करने का था। तो ये हमारा मिशन था। तो चेन्नई से हम निकले अराउंड शाम को 3:30 बजे। तो उसके बाद समाप्त हमारा नेवी में 4-4 घंटे ड्यूटी रहता है, 4 घंटे ड्यूटी करो और 8 घंटा रेस्ट करो, फिर ड्यूटी में आ जाओ। लेकिन इमरजेंसी में सब लोग साथ में रहते हैं, छोड़ो नींद, छोड़ो ये खाना पीना, सब ये कर लेते हैं। तो हमने चेन्नई से निकला, तो उस टाइम पर कक्कट आई बिलीव माय जूनियर नेविगेटिंग ऑफिसर वॉज कक्कट, ही वॉज देयर, ही डिड हिज जॉब, मैं 8 to 12 उसने ड्यूटी किया, 12 to 4 वॉज माई ड्यूटी, 12 to 4। मैं जनरली रात को वही टाइम चूज करता हूँ क्योंकि मैं सोता कम हूँ, जागता ज़्यादा हूँ और थोड़ा ज़्यादा दारू पीता हूँ एक्चुअली। तो कैप्टन मुझे अलाउ किया था एक्चुअली, मेरा ब्रिज में जॉनी वॉकर का बटल रहता था और 555 सिगरेट एंड और बेंजन से रहता था, मैं ड्यूटी करता था, अपने डिसीजन खुद लेता था, और मैं अपने जो जूनियर जो सेलर्स है और नेविगेटर्स, जूनियर में एक आरपी रेटिंग होता है, जो लोग नेविगेशन करते हैं उनका पर काफ़ी भरोसा करता था, उनका चार्ट पर को भरोसा करता था। तो हमने निकले, मैं 12 बजे ड्यूटी पे आया, टेक ओवर किया, 2 पेग चढ़ाया जनी होकर का ब्रिज में,
आजकल वो पता नहीं नील में लौटे कि नहीं है, चढ़ाया। उसके बाद मेरा जो आरपी प्रोडक्ट आई थिंक उसका नाम है जे, मैं जो याद रखता हूँ जे प्रसाद और जे पी प्रसाद एक्चुअली, ये वो आरपी एक्चुअली वो रेडर में उसका काम बैठ रहा था। तो उसने बोला सर दो घंटे से मैं देख रहा हूँ एक जो पॉइंट है रेडार में, एक पॉइंट है जो हम हमेशा हमको फॉलो कर रहा है। तो मैं बोला चला क्या है, फिर मैं बोला चलो एक घंटा आधा घंटा चले, अगर आधा घंटे के बाद देखा कि वही पॉइंट जो है, कभी कभी पॉइंट होता है कोई मगरमच्छ होता है कोई ये होता है, तो मैं देखा चला ये फॉलो कर रहा है, मेरे को कुछ खटकने लगा एक्चुअली, दिमाग सटक गया। मैं बोला ठीक है इसको देखते हैं और देखते हैं ये रिवील करूँ एक्चुअली, ये वीडियो का लास्ट में रिवील करूँगा क्या हुआ था एक्चुअली। फिर मैंने बोला एक काम कर, हमने एक्चुअली चेन्नई से कलम नहीं, हमारा ड्यूटी था केकेस कनकेश्वर ही ये में था, वहाँ पर हम पहुँच के आर्मी को डिसम्बर करते थे, उनका राशन वगैरह करते थे, उसके बाद हम लोग को फिर न्यू ड्यूटी जो पेट्रोलिंग एरिया मिलने का था, सिग्नल का वेटिंग करने का था, ये हमारा मैंडेट था। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर एक घंटा देखा तो साला हमारे पीछे वही है हम जो जा रहे पीछे और क्लोज हो रहे। तो मैंने बोला एक काम कर, अपना जो स्टेयरिंग व्हील्स में जो था, एक व्हील रहता है एक्चुअली नेवी जहाज में एक व्हील्स होता है, आजकल तो ऑटो पायलट हो गया लेकिन इंडियन नेवी एक व्हील्स में रहता है, मैं बोला चल उसको कन्फ्यूज करते हैं, कन्फ्यूज मीन्स जिग जैग स्टेयरिंग मतलब मैं यहाँ से खुर्दा जा रहा हूँ ये नहीं उसको पता नहीं चलना चाहिए, मैं यहाँ से जाजपुर उठ गया, वहाँ से इधर गया, वहाँ से इधर गया, मतलब इधर से निकला फिर आधा घंटा ट्रैवल किया फिर वहाँ से निकला फिर वहाँ से निकला, ऐसे करते करते उसको कंफ्यूज करने का कि हमारा जो जहाँ जाने का जो रास्ता है जहाँ डेस्टिनेशन है उसको कन्फ्यूज में रखना ये हमारा काम था, ताकि सवेरा हो जाए हमको पता चले मामला क्या है। तो झिझक स्टेयरिंग हम करते रहे, देखा तो साला ये हमारा पीछे पड़ गया। तो मेरे को डाउट आया, मैं बोला कि नहीं ये कुछ लफड़ंगबाजी है। तो मैंने बोला ठीक है हम संभाल लेते हैं, कैप्टन को क्यों जगाएंगे, कैप्टन सर को जब ये सवेरा होगा तो पता चल जाएगा देख ले। तो हमने ये करके वो तरीके में उसको घुमा के घुमा करा, लेकिन हमारा वो पीछे पड़ गया था। तो एक सिचुएशन ऐसा आया कि हमारा जोन में आया नहीं है, जोन में आया नहीं मीन्स सवेरे 5 बजे हमारा जोन में आया नहीं मीन्स रेडर का जोन होता है, मतलब नाक का जोन होता है ना, आप आँख से आप नाक को नहीं देख सकते, कुछ जोन तक देख सकते देखने देते हैं। तो रेडर का भी एक ये होता है, अगर उसका अंदर आप घुस जाते हैं ना तो रेडर आपको पकड़ नहीं पाएगा देख नहीं पाएगा, तो इस तरह का भयंकर सिचुएशन आ गया था। तो हमने अपनी स्पीड बढ़ाया, फिर झिकझक स्टेयरिंग स्पीड बढ़ाया, हालांकि जहाज का स्पीड ज़्यादा था वो फिर पीछे हट गया, फिर हमको पता चला किधर है क्या है। तो कैप्टन सर को अर्ली मॉर्निंग हमारा 12 से 4 का ड्यूटी था, लेकिन मेरे को मज़ा भी आ रहा था, एक चैलेंज था बोला आज तो कुछ होगा ऐसा कुछ होगा। तो कैप्टन सर को 5 बजे जगाया, उनको बताया सिचुएशन सर ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने अपने बोले गनरी डिपार्टमेंट ये जो गनरी अफसर ये सब रेडी हो जाए, अपना गन फन रेडी हो गया। 5:30 बजे जब यू नो दोस थिंग्स सूरज का उदय हुआ तो देखा था हमारा सामने ही वो बोर्ड था, सामने में साइड में था एक्चुअली, वो भी कन्फ्यूजन में था एक्चुअली, कहाँ जाएगा किधर करेगा क्या करेगा। तो हमने फायरिंग किया उस बोर्ड को डुबा दिया,
वो कुछ ड्रम्स वगैरह जो ऑयल ड्रम्स उसको पकड़ के कुछ लोग फ्लोटिंग कर रहे थे तमिल वाले, उनको फिर हमने बोट अपना जो डिंगी एक रबर का ये होता उसको लोड किया, उनको जाके एक आदमी को हम पकड़ा, बाकी सब मर गए। जब बोट डूबा उस टाइम पर एक डूम से एकदम बड़ा बहुत पानी और आग कितना गया और ऊपर, ये हमने खुद देखा है, बता नहीं सकता हूँ। तो उनको पकड़ के लाया तो उन्होंने उस आदमी है उस भाषा तो तमिल था, हमको तो तमिल आता नहीं है, मैं फिर क्या करेगा, कैप्टन ने बोला 192 यू संभालो, मैं बोला ठीक है। फिर लकीली हमारा स्वामीनाथन बोल के एक था तमिल, उसको पकड़ा, पकड़ के जो ये दो झपट दिया पूरा एक करके, वो इलीली बोला था, बोले इलीली उलूरा बिल्कुल नहीं करना, ये इलीली उलूरा समझता है, ठीक है। झपट मारने के बाद उसने बोला कि हमको आप जब चेन्नई से निकले थे तब हमको पता चल गया था और हमको मैसेज मिला था और हमको मैंडेट था कि हमारा बोट को आपका जहाज में टकरा देने का, हम तो मरने के लिए तैयार हुए थे, हम तो जहाज ही है सटअप नहीं हटो दो सिंह, और हम 4-5-10 मर जाएंगे लेकिन एक जहाज को डुबाने से 200-300 लोग को ख़त्म करने का, इंडिया का भी एक जहाज डुबाने का, ये हमारा मैंडेट था, हमको मिल गया था। अब जब जहाज चेन्नई से निकला तब हमको पता चल गया था, लेकिन हमको कन्फ्यूजन था एक्चुअली, हमारा जो कमांड जो स्ट्रक्चर है उन्होंने बोले थे कि 100% श्योर होके ये जहाज इंडियन नेवी का जहाज है उसको डुबाओ, लेकिन गलती से कोई मर्चेंट नेवी वगैरह ऐसे कोई दूसरा जहाज को मत डुबाओ, लेकिन हमको वही कन्फ्यूजन में हम भी वेट कर रहे थे कि सवेरा होगा तो हम ये करें, लेकिन डाउट में आपका आपको फॉलो कर रहे थे। ये निकला बात, उसके बाद हम उसको लेके आर्मी कमांड में हैंड ओवर कर दिए, बाद में क्या हुआ क्या नहीं ये, सो दिस वॉज वन ऑफ द थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। अगर गलती से अगर थोड़ा सा दिमाग सटक नहीं गया होता था और जनीवा का दो पेक चढ़ा नहीं होता था तो शायद पूरा जहाज डूब गया होता, हम सब लोग मर गए होते थे। सो ये दीज आर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। और बहुत सारी बात बताऊँगा मैं नेवी का, बहुत सारे एक्सपीरियंस बताऊँगा। आई डोंट नो वर इज कमांडर प्रकाश नाउ एक्चुअली, आई रियली थैंकफुल हिम एक्चुअली, ही वॉज यू नो ही वॉज अ कमांडिंग ऑफिसर बट ही वॉज ट्रस्टिंग मी सो मच दैट आई रियली डिड ग्रेट जॉब्स अंडर हिम अंडर माई नेवल कमांड। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।